जन्नत की हूरों से भी बढ़कर है वो औरत, जिसे ऐसा मर्द मिले जो हर वक्त उसे प्यार करता है, उसे खुश रखने की कोशिश करता है। कुछ लोगों के पास सिर्फ पैसा ही होता है, माजी अपनी गहरी छाप याद की सूरत में छोड़ ही जाता है, और उसकी गिरफ्त से आज़ादी मुमकिन नहीं। जैसे साहिल समंदर पर गीले पैरों के निशान रेत पर दूर तक निकल जाए। मैंने ऐसे मर्द भी देखे हैं जो सजदों में अपने इश्क के लिए रोया करते हैं। उसकी नजरें हर औरत पर नहीं पड़ती जिसके दिलो दिमाग में बस एक नाम, एक चेहरा और एक ही आवाज गूंजती है। वो हर किसी से इश्क नहीं करता, हर किसी के पीछे नहीं भागता। मैंने ऐसे मर्द भी देखे हैं। दुनिया में मरी हुई मोहब्बत से ज्यादा मुर्दा और कोई चीज नहीं होती, और उससे भी ज्यादा मरे हुए लोग वो होते हैं जो उस मुर्दा मोहब्बत का जनाजा अपने वजूद के अंदर दफनाए। जिंदा लोगों के दरमियान चलते फिरते और उठते बैठते हैं। जब लोग लिखना सीख जाएंगे तो मुख्तसर लिखा करेंगे, और जब बोलना सीख जाएंगे तो अक्सर खामोश रहेंगे। वो हकीकी अमन और बलोगत का जमाना होगा। औरत हो या मर्द, उसको सच्ची मोहब्बत सिर्फ एक बार मिलती है। अगर उसकी कदर ना की और मोहब्बत खो ली तो जिंदगी भर बेसकूनी गुजरेगी। बेहतरीन मोहब्बत वो है उसमें दोनों फौरी निकाह कर लें। सुबह धुंध छाई हो तो आपको सूरज के होने का यकीन होता है। इस तरह जब मुश्किलात की लहर फैल जाए तो अल्लाह की रहमत के आफताब का यकीन रखें। औरत की मोहब्बत की कोई फिलॉसफी नहीं है। कभी ये घर के मुलाजिम को दिल दे बैठती है, और कभी बादशाह को भी खातिर में नहीं लाती, और कभी पढ़े लिखे को नज़रअंदाज करके एक आवारा इंसान को मंजूर नज़र बना लेती है।